This video is brought to you by the Bolo app. Bolo app के थ्रू आपको आपके क्वेरीज या फिर क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस मिलते हैं और इस ऐप के थ्रू आप 1-to-1 वीडियो कंसल्टेंसी सेशंस भी बुक कर सकते हो अपने फेवरेट एक्सपर्ट्स के साथ इंक्लूडिंग मी. है ना कमाल की चीज. तो जाओ जल्दी से ऐप को चेकआउट करो. लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल. बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में, आयुष राठी. तो यार इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्शन के बारे में, ठीक है ना. प्रोजेक्शन कंपोनेंट या फिर असर, ठीक है. हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं या फिर कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर बोल लो, कॉम्पोनेंट ऑफ वन वेक्टर ऑन टू अनदर, कॉम्पोनेंट ऑफ वन वेक्टर. लेट्स से कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन टू वेक्टर बी. लेट्स से कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ए, लेट्स से कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ए, ए वेक्टर इनटू वेक्टर बी या ऑन टू वेक्टर बी, ठीक है ना. ऑन टू वेक्टर बी, ऑन टू बी वेक्टर, ठीक है ना. अगर हमको ए का कंपोनेंट बी में निकालना है, दो वेक्टर हमारे पास में है, तो क्या चीजें होती है यहाँ पर. देखो फंडा बड़ा सिंपल सा होता है, बट बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आती कि ये चीज हुआ कैसे, किस तरीके से हुआ. तो मैं कंसेप्ट पे फोकस करने वाला हूँ. डायरेक्टली मैं चाहूँ तो आपको फॉर्मूला भी बता सकता हूँ कि भाई ए डॉट बी बाई मॉड बी कर लो तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, बट वो चीज क्यों हुआ है, डॉट प्रोडक्ट किस तरीके से इन्वॉल्व है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, है ना. डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है, किस तरीके से निकालते हैं, कॉस थीटा वगैरह रिलेट करके, कंपोनेंट क्या होता है, असर प्रोजेक्शन क्या होता है, मैं सारी चीजें आपको क्या करना चाहता हूं, बहुत बड़े तरीके से एक्सप्लेन करना चाहता हूं. सबसे पहले एक चीज समझो कि हमारे पास में लेट से हमारे पास में क्या है, ये एक्स वाई सिस्टम है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारे पास में, जिसमें लेट से हमारे पास में ये हमारा एक्स एक्सिस है और लेट से हमारा ये क्या है, वाई एक्सिस है. ये हमारा क्या है, एक्स एंड वाई एक्सिस है रेस्पेक्टिवली. अब मान लो आपको बोलता है कि आप क्या कर रहे हो, आप 3 मीटर ईस्ट में जा रहे हो. लेट से आप 3 मीटर ईस्ट में जा रहे हो, 3 मीटर एक्स में जा रहे हो, तो 1, 2, 3 आपका इस तरीके से हो गया. आप 3 मीटर ईस्ट में गए, फिर आप क्या हुआ, मान लो आप 4 मीटर नॉर्थ में गए. आप क्या करें, 4 मीटर नॉर्थ में गए, 1, 2, 3, 4 आप इस तरीके से गए, तो आप क्या पहुंचे, आप 3.4 पॉइंट पर पहुंच गए. तो आप 3.4 पॉइंट पर पहुंच गए. अब इस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, 3i कैप प्लस 4j कैप के फॉर्म में लिख सकते हैं. हमारा ये क्या हो जाएगा, इस तरीके का एक वेक्टर बन जाएगा, इस तरीके का एक वेक्टर बन जाएगा जो कि ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और 3.4 तक जा रहा है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं कि r वेक्टर लेट से इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है. इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं. अब अगर आपको कोई बोले कि ये जो वेक्टर है हमारा, ये जो r वेक्टर आया है, लेट से ये जो r वेक्टर आया है, ठीक है ना, इसका कंपोनेंट x एक्सिस में क्या है, इसका कंपोनेंट x एक्सिस में क्या है, इसका मतलब कि x एक्सिस में इसका असर कितना है या x एक्सिस में इसका प्रोजेक्शन कितना है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, सीधा सीधा आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होगी, 3 यूनिट्स आएगी. क्योंकि आपने उस पॉइंट पर पहुंचने के लिए x में कितना ट्रैवल किया, आपने उस पॉइंट पर पहुंचने के लिए x में 3 यूनिट ट्रैवल किया. अगर कोई आपको बोलता है कि इसका y में प्रोजेक्शन कितना है, y में कंपोनेंट कितना है या y में असर कितना है, तो आप क्या बोलोगे, 4 यूनिट्स. क्यों, क्योंकि उस पॉइंट तक पहुंचने में आपने y में कितना ट्रैवल किया, 4 यूनिट्स ट्रैवल किया. यही बेसिकली होता है कंपोनेंट और असर. आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये बेसिकली एक राइट एंगल ट्राइंगल काइंड ऑफ बन जाएगा, क्लियर है. अब मैं अगर बात करता हूं जनरली बात करता हूं, अगर मैं आपके पास में एक वेक्टर है, लेट से अ वेक्टर बी और आपके पास में मान लो एक वेक्टर है, लेट से अ वेक्टर ए, ठीक है. एक वेक्टर है बी और एक वेक्टर है लेट से वेक्टर ए, ठीक है ना. इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूं ताकि सही से मैं आपको समझा पाऊं. लेट से ये आपका है वेक्टर ए, ठीक है, और आपका नीचे क्या है, वेक्टर बी है. और आपको क्या चाहिए, आपको वेक्टर ए का प्रोजेक्शन चाहिए ऑन टू वेक्टर बी. आपको ए का प्रोजेक्शन चाहिए ऑन टू वेक्टर बी. तो ए का प्रोजेक्शन ऑन टू वेक्टर बी क्या होगा, इससे आप रिलेट करो, इससे रिलेट करोगे तो क्या होगा, इस तरीके से आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लोगे, इस तरीके से आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लोगे, क्लियर है. और अगर दिस एंगल इज थीटा, अगर दिस एंगल इज थीटा बिटवीन ए एंड बी, देन ऑब्वियसली दिस लेंथ विल बी ए कॉस थीटा, दिस लेंथ विल बी ए कॉस थीटा. अगर दिस इज ए एंड दिस इज वेक्टर बी एंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा, देन फॉर श्योर दिस विल बी ए कॉस थीटा. क्योंकि हमारे को पता है कि हमारा प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन क्या होता है, कॉस थीटा एक्स में और साइन थीटा वाई में. नहीं पता है तो देखो कैसे करना है. नहीं पता है अगर तो क्या करोगे, इस ट्राइंगल में जो राइट एंगल ट्राइंगल बना है इसमें कॉस थीटा लगा दो. इसमें कॉस थीटा लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस. तो बेस कितना है, इसको एक्स मान लो, एक्स बेस इज इक्वल टू एक्स अपॉन हाइपोटेनस. कितना है, हाइपोटेनस है कितना, ए, तो हाइपोटेनस हो गया ए, तो एक्स कितना हो गया, ए कॉस थीटा आ गया ना, तो एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ए कॉस थीटा. इसी तरीके से आप वाई निकाल सकते हो, ए साइन थीटा.
कैसे? जैसे कि आप मान लो ये जो ट्राइंगल है आपका, ठीक है, ऑब्वियसली बात है अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे ना तो आर का जो वैल्यू है, आर की जो मैग्नीट्यूड है वो कितनी आ जाएगी, फाइव आ जाएगी, है ना, रूट ओवर ऑफ 3² + 4² आपको फाइव आ जाएगा, क्लियर है। अब आपको 3 वापस से निकालना है तो आप क्या करोगे, लेट दिस एंगल बी थीटा, लेट दिस एंगल बी थीटा, आपको 3 वापस से निकालना है तो क्या करोगे, 5 cos थीटा करोगे तो वो आपको 3 मिल जाएगा, और अगर आपको 4 निकालना है तो आप क्या करोगे, 5 sin थीटा करोगे तो आपको 4 मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि cos थीटा इज बेसिकली बेस बाय हाइपोटेन्यूज, 3/5 3 रह जाएगा, 5/5 कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा इज बेसिकली 4/5 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, 4 रह जाएगा, 5/5 कैंसिल होकर 4 बन जाएगा, क्लियर है। इसका मतलब फॉर श्योर हमारे पास में अगर ये वेक्टर है ए, ये वेक्टर है बी, तो कंपोनेंट जो होगा वो बेसिकली ए कॉस थीटा होगा, ये जो लेंथ है ये लेंथ इज बेसिकली ए कॉस थीटा। यहां तक आई डोंट थिंक एनी प्रॉब्लम आपको आएगा। डायरेक्शन क्या है, बी के डायरेक्शन में, बी के डायरेक्शन में ए का प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं बी के ऊपर, लेंथ कितना है, लेंथ कितना है ए कॉस थीटा। अब सिंप्लीफाई कैसे करना है, हमको पता होता है डॉट प्रोडक्ट, हमको क्या पता होता है डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट कह लो चाहे स्केलर प्रोडक्ट कह लो, डॉट प्रोडक्ट कह लो चाहे स्केलर प्रोडक्ट कह लो, आपके पास में दो प्रोडक्ट होते हैं, डॉट प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट, है ना, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट, है ना, दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं। डॉट प्रोडक्ट बेसिकली क्या होता है हमारे पास में, ए डॉट बी गिव्स अस ए बी मॉड ए इंटू मॉड बी, मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा, इट्स अ स्केलर प्रोडक्ट, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट दूसरा होता है जिसमें डायरेक्शन भी आता है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं आता, तो दिस इज बेसिकली ए बी कॉस थीटा। तो यहां से हम लोग कॉस थीटा निकाल सकते हैं, यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि कॉस थीटा इज बेसिकली a.b अपॉन मॉड ए मॉड बी, कॉस थीटा इज बेसिकली a.b अपॉन मॉड ए मॉड बी, ये हम लोग बोल सकते हैं। यहां से a और b को डिवाइड लगा दो, है ना, मॉड ए मॉड बी को डिवाइड लगा दो तो कॉस थीटा इज बेसिकली a.b बाई मॉड ए मॉड बी, राइट। पर्पस क्या है इस वीडियो का, पर्पस क्या है इस वीडियो का, पर्पस है निकालना कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। तो पर्पस क्या है हमारा, हमको ए कॉस थीटा निकालना है, तो कॉस थीटा सब्सटीट्यूट अगर मार दें, कॉस थीटा अगर सब्सटीट्यूट मार दें तो हमको क्या मिलेगा, ए कॉस थीटा अगर इसको सब्सटीट्यूट मार दें यहां पर, तो देखो फाइनल रिजल्ट हमको क्या मिलेगा, फाइनल रिजल्ट हमको मिलेगा ए कॉस थीटा, कॉस थीटा की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, ए इंटू कॉस थीटा की जगह ये पुट करेंगे ए डॉट बी अपॉन ए बी, है ना, ए बी का मॉड्यूलस, ठीक है ना, तो ए का मॉड्यूलस इस ए के मॉड्यूलस से कैंसिल आउट हो जाएगा, भाई ये भी तो मॉड ही है ना, ये भी तो मॉड ही है ना, मॉड्यूलस ही तो है ना, हम लोग इसकी लेंथ का बात कर रहे हैं, तो इसकी लेंथ का अगर बात करें तो ये तो मॉड ही होगा ना, अगर वेक्टर का बात करें तो फिर इसको हटा देंगे, फिर उसको साइन के हिसाब से लिखेंगे, लेकिन अगर हमको मैग्नीट्यूड चाहिए तो इसमें क्या कर सकते हैं, मॉड का साइन हम लोग लगा सकते हैं, या फिर मॉड का साइन नहीं लगाना चाहो तो ऊपर से वेक्टर का एरो हटा दो, ऊपर से वेक्टर का एरो हटा दोगे तो भी बात वही होगा, हम लोग का जो मीनिंग है वो अंडरस्टूड है। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, फाइनली आंसर निकल क्या है, a.b by mod b, आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है, ये पूरा फंडा हमारे पास में, ये मैंने समझाया कि ऐसा हो क्यों रहा है, फिर उसको हमने यहां पर रिलेट किया, a cos थीटा आया, फिर cos थीटा को हमने डॉट प्रोडक्ट से रिप्लेस मारा, फाइनल रिजल्ट निकल क्या है a.b by mod b, जो बच्चों को समझ में नहीं आता कि अचानक से कैसे आ गया इस तरीके से, तो फंडा समझना जरूरी है, ये चीज को फील करना जरूरी है कि कॉम्पोनेंट प्रोजेक्शन किस तरीके से सारी चीजें हो रही है, राइट। तो फाइनल हमारे पास में आंसर क्या आया, a.b by mod b, मतलब अगर हमको a का b पे करना है, अगर हमको a का b पे करना है तो a और b का डॉट प्रोडक्ट करो और फिर b का प्रोजेक्शन ले लो, मतलब जिसके ऊपर निकाल रहे हो, प्रोजेक्शन नहीं सॉरी, b का मॉड्यूलस से डिवाइड कर दो, ठीक है, अगर आपको a और b करना है तो आप a और b का डॉट प्रोडक्ट करो, और जिसके ऊपर कर रहे हो b के ऊपर कर रहे हो तो b के मॉड्यूलस से डिवाइड कर दो, अगर आपको b का a पे करना है तो a.b का डॉट करके a के मॉड्यूलस से डिवाइड कर दो। लेट से आपके पास में क्वेश्चन है a=3i + 4j, लेट से आपके पास में ये क्वेश्चन है, और आपके पास में बी है, लेट से आपके पास में बी है i + j, आपके पास में ए और बी दोनों है, यहाँ पे आपको बोल रहा है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे, आपको निकालना है a on b, आपको क्या निकालना है, प्रोजेक्शन निकालना है या फिर कॉम्पोनेंट निकालना है, या फिर हिंदी में बोले तो असर क्या है, ए का क्या असर है बी के ऊपर, है ना, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। तो प्रोजेक्शन कह लो चाहे कंपोनेंट कह लो चाहे असर कह लो, हमारे पास में ए ऑन बी निकालना है, तो क्या फॉर्मूला है, a.b, पहले तो दोनों को डॉट करो और डिवाइड लगाओ बी के मॉड्यूलस से, जिसके ऊपर निकाल रहे हो उसके मॉड्यूलस से आपको डिवाइड करना है, तो आपको क्या करना है, a.b करोगे तो आपको क्या आएगा, 3 × 1 3
प्लस 4 इंटू 1 4 डिवाइडेड बाय b का मॉड्यूलस. b का मॉड्यूलस क्या होगा? रूट ओवर ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, है ना. ये बेसिकली क्या है, i कैप डॉट i कैप j कैप क्या है. i कैप का मतलब है कि x में 1 यूनिट गया, j कैप का मतलब है कि j में 1 यूनिट गया, है ना. तो ये 1 कॉमा 1 हो गया, तो इसका लेंथ कितना होगा, रूट ओवर ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. यहां पे क्या, आप हाइपोटेनस बना दो, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ये लेंथ 1 है, ये लेंथ 1 है. उसी तरीके से आप यहां पर भी कर सकते हो 3 और 4, है ना. 1 2 3 इधर गया, 1 2 3 4 इधर गया, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये 3 है ये 4 है, आप लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, है ना. बट यहां पर क्या, हमको a का मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है. a का मैग्नीट्यूड से तब मतलब होगा जब हमको b का प्रोजेक्शन a पे निकालना होगा, ठीक है. तो यहां पर आंसर क्या होगा, by root 2, modulus of b कितना है, root over 1 square plus 1 square. यहां पर आ जाएगा डिस्टेंस हमारे पास में ओरिजिन से कितना है वेक्टर का, ये हमारे पास में 2 root 2, तो 3 plus 4 by root 2, 7 by root 2 हमारे पास में आंसर निकल के आ जाएगा. अगर आपको कोई बोलता है कि b का निकालो a पे, अगर आपको कोई बोलता है कि प्रोजेक्शन या फिर कंपोनेंट निकालो b का ऑन a पे, तो तरीका क्या होगा, वापस से दोनों का डॉट करना है. अब आप a डॉट b करो चाहे b डॉट a करो, बात बराबर है. अगर आप a डॉट b करते हो या फिर आप b डॉट a करते हो, दोनों क्या है, सेम ही आएगा ना, कम्यूटेटिव है, दोनों सेम ही आएगा. तो डॉट प्रोडक्ट तो बेसिकली सेम ही रहेगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या है, 7 ही रहेगा. डिवाइड आपको किससे करना है, जिसके ऊपर आप प्रोजेक्शन निकाल रहे हो. आप यहां पर क्या कर रहे हो, b का a पे निकाल रहे हो, तो a के मॉड्यूलस से आपको डिवाइड करना है. a का मॉड्यूलस क्या आएगा, रूट ओवर ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट ओवर ऑफ 25, मतलब कि 5. तो यहां पर फाइनल आंसर निकल के आएगा 7/5. इस तरीके से होता है, ये पूरा फंडा होता है कंपोनेंट का, असर का, प्रोजेक्शन का. समझने का ट्राई करो किस तरीके से हमने चीजों को रिलेट करा है, कि हमारे पास में जो डॉट प्रोडक्ट है वहां से कॉस थीटा को पुट अप करा हमने. और वो क्यों होता है, बहुत सारे बच्चों को यही नहीं समझ में आता है कि अरे यार अगर ये एक वेक्टर है ये दूसरा वेक्टर है तो इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर ये लेंथ क्यों आएगा. लोगों को इतना ही नहीं समझ में आता है, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमको अगर यहां पहुंचना है तो हमको यहां आना पड़ेगा ना एक्स कॉम्पोनेंट में, अगर हमको यहां पहुंचना है तो हमको वहां जाना पड़ेगा ना वाई कॉम्पोनेंट में. तो इसका, इसके ऊपर प्रोजेक्शन का मतलब सिर्फ इतना ही है कि इस वेक्टर का इसके ऊपर कितना कंपोनेंट है या कितना असर है, है ना, या कितना प्रोजेक्शन है, वो उतना ही है ना, इस लेंथ जितना. जैसा हम लोग नॉर्मली कर रहे थे कि आप 3 मीटर एक्स में जाओगे और 4 मीटर नॉर्थ में जाओगे, तो ये हमारा वेक्टर हो गया. तो उसका कॉम्पोनेंट क्या है हमारे पास में, एक्स में 3, वाई में कितना है 4, वही चीज तो हो गया, सिंपल सा चीज, ठीक है ना. बाकी तो बस यही बात है. आई होप आपको पसंद होगी, हमसे कुछ सीखा होगा. अगर हमसे कुछ सीखा तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म पे मजा उठा सके. बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद, ये वीडियो देखने के लिए बने रहिए.